नयगढ़ जिला रणपुर कॉलेज पक्षर् कॉलेज परिसर में कारगिल दिवस पालित हो 20 वर्ष तले आज दिन में भारतीय सेना कारगिल सेक्टर में पाकिस्तान सेना उपर विजय लाभ करथिला। एही युद्ध में भारत शताधिक योद्धा वीरगति लाभ करथिले। तेणु आज दिन को सारा भारत में विजय दिवस भाव पालन कर अध्यापक विजय कुमार जेना अध्यापक भाग्यधर स्वाई कारगिल दिवस गुरुत्व सम्बन्ध में आलोचना करते अवसर में एनसीसी छात्र मान द्वारा देशात्मक बोधक सांस्कृतिक कार्यक्रम परिवेषण कर छात्र छात्री माने देश प्रेम उद्बोध होते खुर्दारू राकेश महांती को रिपोर्ट ओडिशा विजन टीवी। आरंभ होइछि श्रावण मास विभिन्न शैवपीठ में जल लागी करने को रास्त कावरिया जमुई एक भिड़ एत अधिक रास्तार दुर्घटना दिनक दिन बढ़िवार लगी दृश्य देखा मिली 16 नंबर जातीय राजपथ चंपागढ़ छक निकट बाइक दुर्घटना फल जड़े महिला गुरुतर होती नाम रंजित प्रधान घर टांगी थाना चकड़ीपुर अंचल जमापड़ी से 16 नंबर जातीय राजपथ जयमंगलपुर छक निकट बाइक धक्कर जड़े बाइक आरोही गुरुतर होती नाम पवित्र बेहरा घर गमारी मुंडा अंचल जमापड़ी से अन्य जन भक्त जंकिया छक निकट बाइक धक्का फल गुरुतर आहत होते परिचय मिल पार ना गुरुतर अवस्था मेडिकल भर्ती करा खुर्दारू राकेश महांती को रिपोर्ट ओडिशा विजन टीवी। मयूरभंज जिला बेतनटी मयूर साहित्य संसद वर्षा कविता आशार स्थानीय धर्मशाला अनुष्ठित हो विशिष्ट जगन्नाथ सेवक तथा अनुष्ठान सभापति जयंत कुमार पट्टनायक एक कार्यक्रम अध्यक्षता करते मुख्य अतिथि भाव अवसरप्राप्त प्रोफेसर हरिहर दास योगदान करता बेले मुख्य वक्ता भाव विशिष्ट कवि ब्रजेन्द्र गिरी योगदान कर कवि मैंने खाली कविता लिखले हे ना परिवेश चेतना उपर गुरुत्व दे अधिक अधिक वृक्षरोपण कर बचाई ठीक समय वर्षा हे और कवि लेखनी आगक जीवन मतव्यक्त करते सहित यह सभार अनेक मान्यगण्य व्यक्ति मैंने जोगद कार्यक्रम को आगक बढ़ाई मयूरभंज डम्बरधर को रिपोर्ट ओडिशा विजन टीवी। सुवर्णपुर अबकारी विभाग द्वारा पाखापाखि एक क्विंटाल गंजेई जबत करा दिछि। बौद्ध जिला एक स्कॉर्पियो जगे गंजेई पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ को चालना होता बेले कौन सूत्र खबर पाई अबकारी विभाग कुंछक छापा मारिथिले गाड़ी आसपा पर अबकारी विभाग तरफ छापा मार देथिला फल गाड़ी ड्राइवर घटनास्थल फेरार होते आउ जन अभियुक्त को गिरफ्त कर अबकारी अधिकारी अभियुक्त को गिरफ्त करने स्कॉर्पियो को जबत कर अबकारी विभाग गंजेईर आनुमानिक मूल्य 5 लाख टंका हबो बोली अबकारी विभाग सूचना देछन्ति। सुवर्णपुर मंटु मंत्रा रिपोर्ट ओडिशा विजन टीवी। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तरफ पालाकेमुड स्थित स्वर्गीय शिशु विद्या मंदिर ठारे विभाग अभ्यास वर्ग कार्यक्रम उद्घाटित हो दुई दिन धरी चलो मुख्य अतिथि भाव सुजित कुमार नायक संगठन संपादक लोकनाथ मिश्र पालाकेमुड नगर सभापति सरोज कुमार पंडा स्वर्गीय शिशु विद्या मंदिर प्रधान आचार्य सत्यनारायण कार्जी गजपति और रायगढ़ जिलार समस्त छात्र छात्री मैंने जोगदे अभ्यास वर्ग कार्यक्रम छात्र छात्री मान देश गठन और छात्र छात्री मान एकता ज्ञान चरित्र गठन और समस्त मन में राष्ट्रीय भावना देश प्रेम कर छात्र शक्ति किपर राष्ट्र शक्ति में परिणत हो पार से संपर्क में धारणा देते पूर्वतन राष्ट्रपति मिसाइल मैन तथा भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम चतुर्थ शतवार्षिकी अवसर में आज कलाहांडी युव और छात्र परिषद तरफ कलाम अमर आत्मा प्रति श्रद्धांजलि दी जा कलाहांडी युव और छात्र परिषद सभापति अविनाश ठाकुर और संपादक मंटू नायक नेतृत्व में स्थानीय स्वयंशासित महाविद्यालय पश्चिम छात्रावास में रहता छात्र छात्री मैंने डॉक्टर कलाम को पटचित्र माल्यार्पण कर एक कैंडल शोभायात्रा बाहर करते छात्र छात्री मैंने कलेज छक एक कैंडल शोभायात्रा बाहर कर माणिकेश्वरी छक पर्यटन जाकर श्रद्धांजलि ज्ञापन करते डॉक्टर कलाम प्रतिकूल स्थिति में तारका सदस्य दीप्तिमान हो देश और समाज पर अनेक उन्नयनमूलक कार्य करमको सतसर्वदा प्रेरणा दे आस छात्री मानी कार्यक्रम में छात्र नेता प्रवीण कुमार पूर्वतन छात्र संसद सभापति आशीष महापात्र युवनेता बाबा अली खान सुधीर साय प्रमुख उपस्थित रही कलाहांडी बुद्धेश्वर चौधरी को रिपोर्ट ओडिशा विजन टीवी। कलाहांडी जिले में
ଦିନକୁ ଦିନ ନାବାଳିକା ପ୍ରତି ଦୁଷ୍କର୍ମ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଜି ଜୟପାଟନା ପୁଲିସ ଏହି ମାମଲାରେ ଜଣେ 40 ବର୍ଷୀୟ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରିଛି। ଜୟପାଟନା ପୁଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଜୟପାଟନା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁଖିଗୁଡ଼ାରେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମଉସା ଘରେ ରହି ଏକ ନାବାଳିକା ସେହି ଅଞ୍ଚଳର କଲେଜରେ ଯୁକ୍ତ 2ରେ ପଢୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ମଉସା ବାରମ୍ବାର ବଳପୂର୍ବକ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ତଥା ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଆସୁଥିଲେ। ଏନେଇ ନାବାଳିକା କୌଣସି ମତେ ଗତକାଲି ଆସି ଜୟପାଟନା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ପୁଲିସ କେସ୍ ରୁଜୁ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳିକା ମଉସା ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ଆଇପିସି 376, 341, 323 ତଥା ପୋସ୍କୋ ଆକ୍ଟ ଲଗାଯାଇଛି। ଏହା ଲଗାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ପୁଲିସ। ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ସୁଦ୍ଧା ଘରକୁ ପଠାଯାଇଛି ବୋଲି ଜୟପାଟନା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଲାମୁଣ୍ଡରୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବାଗଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି।